दोस्तों पोको तैयार है 15 दिसंबर को इंडियन मार्केट में अपने पोको C65 को लॉन्च करने के लिए। और दोस्तों अगेन यहाँ पे Xiaomi क्या कर रहा है, इसको रीब्रांड कर लॉन्च कर रहा है। हम सभी को पता है Redmi पोको Xiaomi का ही है, तो मतलब रीब्रांडिंग के ऊपर रीब्रांडिंग यहाँ पे करी जा रही है। और अगेन पोको C65 भी रीब्रांडेड स्मार्टफोन होने वाला है। किसका रीब्रांडेड स्मार्टफोन होगा यहाँ पे हमें इसकी प्राइसिंग जो है क्या कुछ देखने को मिलेगी, वेरिएंट कौन सा देखने को मिलने वाला है, हर एक जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो बस अब इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो है गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे पोको C65 के स्पेक्स के बारे में बात कर लेता हूँ, देन आप खुद ही पकड़ लेंगे ये किस स्मार्टफोन का रीब्रांड कर लॉन्च करा जाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपको 6.74 इंच का एक HD प्लस वाला IPS LCD पैनल देखने को मिल जाएगा, जहाँ पे 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश लगा दिया जाएगा। सामने की तरफ जो वाटर ड्रॉप स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले होने वाला है, जहाँ पे जो है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होने वाला है। बैक की तरफ 50 मेगापिक्सल प्राइमरी कैमरा, सेकेंडरी कैमरा 2 मेगापिक्सल एंड थर्ड कैमरा जो ऐसे ही कहने के लिए ऑक्सिलरी लेंस वाला लगा दिया गया है। एंड यहाँ पे जो आपको 5000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी, जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आएगा। एंड यहाँ पे जो है स्मार्टफोन जो है 18 वाट के फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा, बट बॉक्स के अंदर आपको 10 वाट का चार्जर देखने को मिलेगा। चिंदी चोरी है ये बिल्कुल। एंड यहाँ पे जो आपको मीडियाटेक की तरफ से हीलियो G85 चिपसेट देखने को मिल जाएगा। तो जी हाँ बिल्कुल, ये 4G स्मार्टफोन होने वाला है, 5G स्मार्टफोन नहीं है। एंड यहाँ पे जो आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाएगा, 3.5 mm जैक भी देखने को मिल जाएगा, डेडिकेटेड स्लॉट्स देखने को मिल जाएंगे। तो दो सिम के साथ साथ एक SD कार्ड लाकर भी एंजॉय कर पाएंगे आप। एंड ये स्मार्टफोन जो आपको MIUI 14 प्लान करेगा, जो कि एंड्रॉइड 13 आपका आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलेगा। तो ये रही स्पेक्स की कहानी पोको C65 की। अब दोस्तों आप पकड़ पाइए कौन सा स्मार्टफोन है, अभी जस्ट सप्ताह दिन पहले लॉन्च करा है Xiaomi ने Redmi 13C का 4G वेरिएंट, उसी स्मार्टफोन का जो है रीब्रांड कर इंडियन मार्केट में 15 तारीख को फिर से कंपनी पोको C65 के नाम के साथ लॉन्च करने वाली है। अब दोस्तों देखिए, जो Redmi 13C 4G वेरिएंट लॉन्च हुआ था, उसका बेस वेरिएंट था 4+128, जिसकी प्राइसिंग जो है 9000 रुपये रखी गई थी। ऑफर वगैरह में आप उसे 8000 रुपये में परचेज कर सकते हैं। बट जो पोको C65 लॉन्च होगा, इसमें बताया जा रहा है कि जो बेस वेरिएंट होगा 4/64 होगा, इसकी प्राइसिंग आप मानकर चलो 8000 रुपये या फिर 8500 रुपये देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे भी आपको बैंक ऑफर्स देखने को मिल सकते हैं। तो मतलब सिर्फ वेरिएंट चेंज कर यहाँ पे कंपनी इधर उधर का नाम रखकर लॉन्च कर देती है। मतलब सिर्फ वेरिएंट चेंज करो, नया फोन बनाकर लॉन्च कर दो, इसका कोई सेंस नहीं बनता है Xiaomi, कोई सेंस नहीं बनता है। खैर यहाँ पे आपको अगर 4/64 जिनको लेने का मन था, उनके लिए एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कि यहाँ पोको C65 में हमें 4/64 वाला वेरिएंट देखने को मिल जाएगा। 4+64 वेरिएंट प्राइसिंग होगा 8000 रुपये या फिर 8500, मोस्ट फेयरली मांगा चलिए 8000 रुपये इसकी प्राइसिंग जो आपको देखने को मिल जाएगी। उसके ऊपर बैंक ऑफर्स वगैरह भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बस यही जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था पोको C65 से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे एक और नई वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप अ स्माइलिंग। बाय बाय।